दोस्तों दिल्ली वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच के दौरान ही खलील अहमद चोटिल हो गए, जिसे देख दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैरान हो गए। जी हां दोस्तों, दरअसल पारी के 13वें ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज खलील अहमद बॉलिंग कर रहे थे, जो कि उनके गेंद पर निकोलस पूरन ने चौका लगाने की कोशिश की, मगर बॉल डायरेक्ट खलील के कॉलर बोन पर लग गई और बॉल लगते ही खलील छटपटा उठे, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खलील अहमद को कितना दर्द हो रहा था। हालांकि बाद में खलील अहमद ठीक हो गए और मैच पर फोकस करने लगे।